हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं हूं अमित तोमर। दोस्तों, अगर आप एक नई कार लेने का प्लान कर रहे हैं और आपका जो बजट है वो 10 से 12 लाख रुपए ऑन रोड प्राइस के बीच का है, तो इस प्राइस रेंज में हमें ऑप्शन कई सारे मिल जाते हैं। जैसे कुछ कॉम्पैक्ट एसयूवी मिल जाती हैं, साथ में मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की गाड़ियां भी आ जाती हैं और कुछ हमें एमपीवी के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, और साथ में हमें पेट्रोल, डीजल, सीएनजी जैसे सभी फ्यूल ऑप्शन भी मिल जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 12 लाख रुपए की ऑन रोड प्राइस रेंज में 5 सबसे बेस्ट गाड़ियां बताने वाला हूं। तो आज इस वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 12 लाख रुपए की ऑन रोड प्राइस रेंज में मिलने वाली 5 सबसे बेस्ट गाड़ियों में नंबर 5 पर है मारुति अर्टिगा। दोस्तों, मारुति अर्टिगा एक 7 सीटर एमपीवी है और इस गाड़ी की डिमांड इंडिया में काफी ज्यादा है। हर महीने इस गाड़ी की 10,000 यूनिट के आसपास आराम से बिक जाती है। मारुति अर्टिगा के लुक्स हमें काफी अच्छे मिल जाते हैं और इस गाड़ी की लेंथ काफी ज्यादा है, जिससे इसकी थर्ड रो में भी हमें काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है और थर्ड रो में भी पैसेंजर काफी इजीली बैठ सकते हैं, और इसके बाद भी हमें बूट स्पेस भी ठीक ठाक मिल जाता है। 12 लाख रुपए की ऑन रोड प्राइस रेंज में मारुति अर्टिगा के हमें 3 वेरिएंट मिलते हैं, LXi, BXi और BXi CNG। इन तीनों ही वेरिएंट में फीचर्स हमें ज्यादा नहीं मिलते हैं, लेकिन जो बेसिक कम्फर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स होते हैं वो हमें सभी मिल जाते हैं। और मारुति अर्टिगा के इंजन ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसमें हमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 103 PS की पावर और 137 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, और इसमें पेट्रोल के साथ हमें 19 की MPL तक का माइलेज मिल जाता है। और अब बात करें इसके CNG वेरिएंट की, तो इसमें हमें CNG के साथ 88 PS की पावर और 121 Nm का टॉर्क मिल जाता है, और CNG के साथ 26 किलोमीटर पर KG तक का माइलेज मिल जाता है। अगर आपको एक 7 सीटर MPV चाहिए, साथ में आपको माइलेज भी काफी अच्छा चाहिए, तो मारुति अर्टिगा एक काफी अच्छा ऑप्शन बन जाती है। नंबर 4 पर है टाटा नेक्सॉन। दोस्तों, टाटा नेक्सॉन एक सब कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की गाड़ी है और पिछले कई महीनों से ये गाड़ी इंडिया की नंबर 1 SUV बनी हुई है। हर महीने इस गाड़ी की 14-15 हजार यूनिट आराम से बिक जाती है। जिन लोगों को बेस्ट इन क्लास सेफ्टी चाहिए, उनके लिए टाटा नेक्सॉन एक काफी अच्छा ऑप्शन बन जाती है, और ये हमारी काफी सारी रिक्वायरमेंट को भी मैच कर जाती है। इस गाड़ी के लुक्स हमें काफी अच्छे मिल जाते हैं, काफी प्रीमियम सी लगती है देखने में, लेकिन इस गाड़ी की जो बैक प्रोफाइल है वो मुझे पर्सनली उतनी ज्यादा पसंद नहीं आती है। आप लोगों को नेक्सॉन की बैक प्रोफाइल कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इस गाड़ी का इंटीरियर वगैरह भी काफी प्रीमियम से मिल जाता है। अगर आपको 12 लाख रुपए की प्राइस रेंज में कोई एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें आपको बाहर से कुछ भी काम ना कराना पड़े, तो नेक्सॉन आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन जाएगी, क्योंकि 12 लाख रुपए की ऑन रोड प्राइस रेंज में टाटा नेक्सॉन की कुल 8 वेरिएंट आ जाते हैं, जिनमें XZ प्लस वेरिएंट तक आ जाता है, जिसमें काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, बाहर से आपको कोई भी काम नहीं कराना पड़ेगा। इन वेरिएंट्स में हमें टर्बो पेट्रोल, डीजल और पेट्रोल ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको माइलेज इस गाड़ी से काफी अच्छा चाहिए तो आप इसका डीजल वाली वेरिएंट ले सकते हैं, जिनमें आपको काफी अच्छा माइलेज मिलेगा, क्योंकि इस गाड़ी के पेट्रोल के साथ हमें माइलेज उतना अच्छा नहीं मिलता है। 16-17 की MPL तक का ही मैक्सिमम माइलेज आपको मिल पाएगा, और इस गाड़ी में अभी हमें कंपनी फिटेड CNG का भी कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। अभी CNG की टेस्टिंग वगैरह चल रही है, बहुत ही जल्दी इसका CNG वेरिएंट भी लॉन्च होने वाला है। टाटा नेक्सॉन के XZ प्लस वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स की अगर हम बात करें तो 7 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है विथ एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, ऑल 4 पावर विंडो, सेंट्रल लॉकिंग, डेटेल MID, मल्टी फंक्शनिंग स्टेयरिंग व्हील, पावर एडजस्टेबल ORBM मिल जाते हैं, रियर डिफॉगर, वाइपर वॉशर वगैरह ये सभी चीजें मिल जाती हैं, कूल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाता है, और इलेक्ट्रिक सनरूफ जैसे सभी फीचर्स मिल जाते हैं। और टाटा नेक्सॉन का जो केबिन है वो काफी ज्यादा कम्फर्टेबल है, और इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी तो हमें काफी अच्छी मिली जाती है। इस गाड़ी ने ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार स्कोर किए हैं। इसमें हमें डुअल एयरबैग, ABS, EVD, ESP, हिल होल्ड असिस्ट जैसे काफी सारे सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं। नंबर 3 पर है मारुति ब्रेजा। दोस्तों, 12 लाख रुपए की ऑन रोड प्राइस रेंज में मारुति ब्रेजा एक काफी अच्छा ऑप्शन बन जाती है। ब्रेजा एक ऐसी SUV है जो आपकी काफी सारी रिक्वायरमेंट को मैच कर जाएगी। मारुति ब्रेजा की डिमांड इंडिया में काफी ज्यादा है। हर महीने इस गाड़ी की काफी अच्छी सेलिंग हो जाती है, और इस महीने ये गाड़ी इंडिया की बेस्ट सेलिंग SUV भी बन चुकी है। हर महीने मारुति ब्रेजा की 12-15 हजार यूनिट आराम से बिक जाती हैं, और 12 लाख रुपए की ऑन रोड प्राइस रेंज में मारुति ब्रेजा के कुल 4 वेरिएंट आ जाते हैं, LXi, BXi, LXi CNG और BXi CNG। ब्रेजा के इन चारों ही वेरिएंट में फीचर्स हमें ज्यादा नहीं मिलते हैं। इसके LXi वेरिएंट तो बिल्कुल ही खाली सा आता है, टच स्क्रीन वगैरह कुछ भी नहीं आती है उसमें, लेकिन इसके BXi वेरिएंट में 7 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है, और 4 स्पीकर, 2 ट्विटर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORBM, मल्टी फंक्शनिंग स्टेयरिंग व्हील, 60-40 स्प्लिट सीट मिल जाती हैं, और इसके अलावा रियर डिफॉगर वगैरह ये सभी कम्फर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स मिल जाते हैं। और सबसे इंपोर्टेंट, मारुति ब्रेजा की केविन में हमें काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है, इसका सिटिंग कम्फर्ट वगैरह भी काफी अच्छा है, 5 लोग इस गाड़ी में काफी आसानी से बैठ सकते हैं,
और इस गाड़ी के लुक्स हमें काफी अच्छे मिल जाते हैं। कुछ लोग तो इस गाड़ी को रेंज रोवर से भी कंपेयर करते हैं कि उस जैसे इस गाड़ी के लुक्स लगते हैं, लेकिन भाई कुछ भी हो, इस गाड़ी के लुक्स हमें काफी अच्छे मिल जाते हैं। और ये गाड़ी आपकी जेब पर भी काफी ज्यादा सस्ती पड़ने वाली है, क्योंकि इस गाड़ी में हमें माइलेज काफी अच्छा मिल जाता है। इसमें हमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो 103 पीएस की पावर और 137 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इस गाड़ी में पेट्रोल के साथ हमें 20 केएमपीएल तक का माइलेज मिल जाता है। और अब इस गाड़ी में हमें सीएनजी का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो ये गाड़ी आपकी जेब पर और भी ज्यादा सस्ती पड़ने वाली है। इसमें हमें सीएनजी के साथ 88 पीएस की पावर और 120 एनएम का टॉर्क मिल जाता है, और सीएनजी के साथ इस गाड़ी में हमें 25-26 किलोमीटर पर केजी तक का माइलेज मिल जाता है। मारुति ब्रेजा काफी कम प्राइस रेंज में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन जाती है, और इस गाड़ी में हमें सेफ्टी फीचर्स भी काफी अच्छे मिल जाते हैं। और इस गाड़ी ने ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार स्कोर किए हैं, तो इसमें सेफ्टी भी हमें काफी अच्छी मिल जाती है। नंबर 2 पर है किया कैरेन। दोस्तों अगर आपको एक 7 सीटर फैमिली कार चाहिए तो भाई किया कैरेन आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन जाती है। किया कैरेन एक प्रीमियम एमपीवी है और 12 लाख रुपए की ऑन रोड प्राइस रेंज में 7 सीटर में सबसे अच्छा ऑप्शन है। किया कैरेन के लुक्स हमें काफी अच्छे मिल जाते हैं, काफी फ्यूचरिस्टिक सा डिजाइन है इस गाड़ी का, और इस गाड़ी का इंटीरियर भी हमें काफी अच्छा सा मिल जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस गाड़ी की केबिन में हमें अर्टिगा से भी ज्यादा स्पेस मिल जाता है। 12 लाख रुपए की ऑन रोड प्राइस रेंज में इस गाड़ी का हमें एक ही वेरिएंट मिलता है, इस गाड़ी का बेस वेरिएंट, और इसमें हमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो 115 पीएस की पावर और 144 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। भाई ये वाला वेरिएंट इस गाड़ी का काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। अगर आपको 12 लाख रुपए की ऑन रोड प्राइस रेंज में एक बेस्ट फैमिली कार चाहिए तो किया कैरेन आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन जाती है। इस गाड़ी के बेस वेरिएंट में ही हमें 6 एयरबैग मिल जाते हैं, ऑल 4 डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। ये सभी फीचर्स इस गाड़ी को काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बना देते हैं। अब बात करें 12 लाख रुपए की ऑन रोड प्राइस रेंज में मिलने वाली सबसे बेस्ट कार की, तो वो है मारुति ग्रैंड विटारा। दोस्तों मारुति ग्रैंड विटारा को नंबर 1 पर रखने के कई सारे रीजन हैं। जब से ये गाड़ी इंडिया में लॉन्च हुई है इसकी डिमांड काफी ज्यादा है। ये गाड़ी मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में आती है और इस गाड़ी में आपको बेस वेरिएंट से ही काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। ग्रैंड विटारा के लुक्स हमें काफी अच्छे मिल जाते हैं, काफी प्रीमियम सी लगती है दिखने में, और इस गाड़ी का इंटीरियर वगैरह भी हमें काफी अच्छा मिल जाता है, स्पेस काफी अच्छा मिल जाता है इस गाड़ी में हमें। 12 लाख रुपए की ऑन रोड प्राइस रेंज में इस गाड़ी का हमें एक ही वेरिएंट मिल पाता है, इस गाड़ी का बेस वेरिएंट, जो काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है और इसी वेरिएंट की सबसे ज्यादा डिमांड है इंडिया में। आप मारुति ग्रैंड विटारा की जगह टोयोटा हाइराइडर को भी देख सकते हो, दोनों ही गाड़ियां सेम है, बस दोनों का लोगो डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है दोनों गाड़ियों में। इसमें हमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो 103 पीएस की पावर और 137 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, साथ में हमें माइल्ड हाइब्रिड टैग भी मिल जाती है, और इस गाड़ी में हमें 21 केएमपीएल तक का माइलेज क्लेम किया जाता है। 12 लाख रुपए की ऑन रोड प्राइस रेंज में ये गाड़ी आपकी जेब पर भी काफी सस्ती पड़ेगी। गाड़ी के लुक्स आपको काफी अच्छे मिल जाते हैं, एक मिड साइज एसयूवी भी मिल जाती है आपको, और फीचर्स भी आपको ठीक ठाक मिल जाती है इस गाड़ी में। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको 12 लाख रुपए की ऑन रोड प्राइस रेंज में मिलने वाली ये 5 सबसे बेस्ट गाड़ियां बताई हैं। इनमें से आप 2023 में कौन सी नई कार लेना पसंद करोगे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।